वह एक सह कार्यकर्ता को डेट करना चाहता था, इसलिए उसने अपने प्रेमी को मार डाला, अधिकारियों ने कहा। 31 वर्षीय केविन प्रसाद ने महिला को लुभाने की कोशिश करने में महीनों बिताए थे। जो अधिकारियों का कहना है कि सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके सहकर्मी थे, जहां दोनों ने सुरक्षा सेवाएं प्रदान की थी। केविन प्रसाद कभी धमकी नहीं लग रहा था। कैलिफोर्निया के अधिकारियों का कहना है कि कम से कम उस महिला को नहीं जिसका प्रेमी प्रसाद मारे गए। 31 वर्षीय प्रसाद ने महिला को लुभाने की कोशिश करने में महीनों बिताए थे। जो अधिकारियों का कहना है कि सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके सहकर्मी थे, जहां दोनों ने सुरक्षा सेवाएं प्रदान की थी। प्रसाद ने कई मौकों पर महिला से उसे डेट करने के लिए कहा। एक बिंदु पर उसे गहने के टुकड़े से पेश किया। महिला हमेशा उसे झुकाएगी, समझाती है कि उसके 3 साल के बच्चे के साथ उसके लंबे समय के बॉयफ्रेंड 31 वर्षीय मार्क मंगले के साथ बच्चा था। सैन मातेओ काउंटी जिला अटॉर्नी स्टीव वागस्टाफ ने कहा कि प्रसाद के पीछा से महिला को परेशान या लुप्तप्राय महसूस नहीं हुआ, और एक हुट आदमी ने पिछले हफ्ते मंगलक की कार से एक बंदूक के साथ संपर्क किया और उसे गोली मार दी। यह तुरंत उस महिला को नहीं हुआ कि हत्यारा उसके सहकर्मी हो सकता है। वैक्स्टाफ के अनुसार, प्रतीक्षा करें, काम पर एक लड़का है जो मुझे डेट करने की कोशिश कर रहा है। उसने एक साक्षात्कार के दौरान पुलिस को बताया कि मैन गेट के पास कोई गिरोह संबद्धता या दुश्मन नहीं थे। पुलिस ने उस जानकारी को लिया और इसके साथ भाग गया। वैक्स्टाफ ने बुधवार को वॉशिंगटन पोस्ट को बताया। आखिरकार यह श्री प्रसाद का नेतृत्व किया। प्रसाद और उनके दोस्त 25 वर्षीय डोनोविन मैथ्यू रिवेरा अब जेल या मौत की सजा में जीवन की संभावना का सामना करते हैं। वागस्टाफ ने कहा, दोनों पुरुषों पर पहली डिग्री की हत्या का आरोप लगाया जाता है, लेकिन प्रतीक्षा में झूठ बोलने के साथ साथ इसका अर्थ यह है कि चूंकि पुरुषों ने कथित तौर पर मंगलक पर हमला किया था, इसलिए वे नियमित हत्या के आरोप की तुलना में अधिक गंभीर दंड के पात्र हैं, वागस्टाफ ने कहा। वागस्टाफ ने कहा कि प्रसाद और रिवेरा को अतिरिक्त रूप से एक बंदूक के साथ हमला किया गया है और एक कब्जे वाले वाहन में गोलीबारी की जा रही है। प्रसाद और महिला का एक सुखद रिश्ते था, वागस्टाफ ने कहा, और 25 अप्रैल को हवाई अड्डे पर महिला के आखिरी दिन काम किया। उसने प्रसाद से कहा कि वह जा रही थी क्योंकि वह मंगाकेट और उनके बच्चे के साथ लास वेगास में जा रही थी। प्रसाद ने गुजरने से पहले मंगाकेट से मुलाकात की थी क्योंकि मंगाकेट उनके साथ हवाई अड्डे पर काम करता था, वैक्स्टाफ ने कहा। चोट लगने के बाद वह छोड़ दिया। वागस्टाफ के मुताबिक प्रसाद ने महिला को बताया, हिलना मत करो, महिला ने अलविदा कहा। उस रात प्रसाद ने दिल्ली सिटी में अपने घर में मंगलक का पालन करने का फैसला किया। वागस्टाफ ने कहा, प्रसाद ने अपने दोस्त रिवेरा से उसे ड्राइव करने के लिए कहा और दो पुरुषों ने लगभग 8 मील के लिए मंगाकेट का पीछा किया। उसे देखकर महिला को काम से उठाकर उसे अपने घर ले जाना, वागस्टाफ ने कहा। लगभग 10 PM, जैसा कि मंगलक ने अपने गैराज में बैक किया था, प्रसाद कार से बाहर निकल गए, मंगलक की गाड़ी तक चले गए और उस पर 5 या 6 शॉट निकाल दिए, वागस्टाफ ने कहा। वागस्टाफ ने कहा, वह कार रिवेरा गाड़ी चला गया था और दोनों ले लिया, वागस्टाफ ने कहा। मंगाकेट उसकी कार के चालक की सीट में मृत्यु हो गई, महिला अपरिहार्य थी। प्रसाद और रिवेरा को 24 अप्रैल के भीतर 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था। महिला ने संभावना जताई थी कि प्रसाद हत्या में शामिल थे, वैक्स्टाफ ने कहा, और दो पुरुषों पूरी तरह से जांच की जाएगी, उन्होंने कहा। मेन किंडरगार्टन शुरू करने के दिन से सब कुछ जानना चाहता हूँ।